नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी के यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी लोगों का मैं प्रिंस चौधरी स्वागत करता हूं अनअकैडमी के इस चैनल पे, जहां पे आपको यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स के लिए बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड किया जा सकता है, एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों की तैयारी की जा सकती है। इस चैनल के माध्यम से आप अनअकैडमी के माध्यम से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है प्रिंस चौधरी, तो आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी पे मैं इस अनअकैडमी के चैनल पे जिस चैनल पे आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं, 3:30 बजे रोज मेरा शेड्यूल होता है, एक क्लास 3:30 बजे की मेरी होती है, तो यहाँ पे आप 3:30 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे भी मैं पढ़ाता हूँ, तो आप लोग अनअकैडमी प्लस पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। प्रिंस 56 मेरा रेफरल कोड होता है, इसे आप यूज करेंगे, आपको अनअकैडमी की तरफ से एक डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा 10% का। सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते हैं कौन कौन से लोग अभी सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। योगेश ने ज्वाइन कर लिया है, कैलाश ने, प्रतिमा ने ज्वाइन किया है, अनु ने ज्वाइन कर लिया है, तो सभी लोगों का स्वागत है। तो जल्दी से सब लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, फिर सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को एक बार विस्तार से एक बार फिर से हम लोग डेली की तरह देखना शुरू करते हैं। चलो भाई, आरुषो, वेलकम आरुषो, आरुषो भी आ गए हैं, अरविंद कुमार, चलो लाइक कर दीजिए सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से, फिर स्टार्ट कर दिया जाए हम लोग सेशन को, है ना भाई, लाइक नहीं करते हो आप लोग। सुरेश यादव, हेलो सुरेश, चलो स्टार्ट किया जाए सेशन को, सभी लोग रेडी हैं, सभी लोग रेडी हैं, स्टार्ट किया जाए। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं और नाम के परिवर्तन का प्रावधान किया गया है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। कल्पना सिंह, हेलो कल्पना, चलो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि नए राज्यों के गठन के बारे में बात किया गया है, नए राज्यों के वर्तमान जो राज्य हैं उनके सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है और उनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 5 में 3 में 6 में या फिर 2 में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर है अनुच्छेद 2, जो कि दिया गया है आपके किस ऑप्शन में, नहीं अनुच्छेद 3 में। हाँ बिल्कुल सही, कंफ्यूज नहीं होना है, अनुच्छेद 3 में बात कही गई है, अनुच्छेद 3 में बिल्कुल सही आंसर है। सुरेश भाई आंसर सही है, हाँ सुरेश का आंसर सही है, बाकी बहुत सारे लोगों का आंसर सही है। हेलो हेलो कल्पना, चलो भाई सभी लोगों का स्वागत है। संसद के द्वारा किया जाता है, और अगले क्वेश्चन पे इसी तरीके से हम लोग मूव करते हैं। कहता है भारतीय संविधान द्वारा किसी सांसद को जो सदन में हिंदी या अंग्रेजी में अपने आप को पर्याप्त अभिव्यक्त नहीं कर सकता, यानी कोई सांसद है जो ना हिंदी ठीक से बोल सकता है ना ठीक से अंग्रेजी बोल सकता है, उसे सदन में अपनी मातृभाषा बोलने का आदेश प्रदान करने का अधिकार किसको है, यानी कि सदन में चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें या तो हिंदी या इंग्लिश नहीं बोल पा रहा कोई सांसद, तो किससे कौन अनुमति देगा कि आप उसमें क्या करो, अपनी मातृभाषा मदर टंग में आप बात करो, किसमें बात किससे कौन देता है। तो अगर राज्यसभा की बात है तो राज्यसभा के सभापति देते हैं आदेश, ठीक है, और लोकसभा की बात है लोकसभा के अध्यक्ष ये बात करते हैं, यानी 1 और 2 दोनों सही आंसर है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। तो डी ऑप्शन किसने कहा है, कैलाश ने डी ऑप्शन कहा है, डी ऑप्शन कहा हुआ है अनु ने, ठीक है, सुरेश ने डी ऑप्शन कहा है, प्रतिमा ने डी ऑप्शन कहा है, बहुत सारे लोगों ने डी ऑप्शन कहा हुआ है, योगेश ने भी डी ऑप्शन कहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करो। कहता है भारत के उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, कोई भी उपराष्ट्रपति पद के लिए उसकी न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, 30 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 32 वर्ष उपराष्ट्रपति बनने के लिए, जरा बताना मुझे। अनुच्छेद 66 में ये बात की गई है, ठीक है, उपराष्ट्रपति की योग्यता के रिलेटेड बात की गई है, आर्टिकल 66 में अनुच्छेद 66 में ये बातें की गई हैं, इसमें मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। चलो मूव करो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ 35 साल, हम अभी 35 साल के नहीं हुए हैं ना, इसीलिए हम अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ते, नहीं तो हम भी लड़ लेते,
कह रहा है कनिष्क किस वंश का शासक था, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था कनिष्क, कुषाण, गुप्त, मौर्य या फिर वर्धन, कौन से वंश का शासक था कनिष्क। शिवाय, हेलो शिवाय, कैसे हो भाई। हाँ, जीतू चाहर भी आ गए हैं, शिवाय भी आ गए हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है। कुषाण वंश का शासक था, बिल्कुल सही आंसर है, कनिष्क किसका शासक था, कुषाण वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है, इनमें से कालिदास ने किसको नहीं लिखा है, कुमार संभवम को, लघु जातकम को, मेघदूतम या रघुवंशम, रघुवंश काव्यम। तो लघु जातकम जो है ये वराह मिहिर ने लिखा है, किसने लिखा है, वराह मिहिर ने, बिल्कुल सही आंसर है बी ऑप्शन, सबसे पहले कैलाश ने कहा है, बहुत अच्छे, कैलाश का आंसर सबसे पहले आया हुआ है, वराह मिहिर ने लिखा हुआ है, वला मिहिर, ठीक। अगले क्वेश्चन पे मूव करो, ये आपसे क्या कहता है, अच्छा ये कह रहा है क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशन इसमें से कौन सा है, क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है, लघु जात रघुवंशम कालिदास के द्वारा लिखा गया है सुरेश, क्रेडिट रेटिंग कौन करता है इनमें से जरा बताना मुझे, तो क्रेडिट रेटिंग ICRA, इकरा जिसको आप कहते हैं, इकरा, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इकरा की 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलो भाई, हाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, जितने लोगों ने कहा है बी ऑप्शन बिल्कुल सही कहा है आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा ये क्या कह रहा है, तेजड़िया और मंदड़िया किससे रिलेटेड हैं, तेजड़िया और मंदड़िया किससे रिलेटेड हैं, शेयर बाजार से, घुड़दौड़ से, टैक्स से या फिर इंटरनेशनल ट्रेड से, किससे रिलेटेड है तेजड़िया और मंदड़िया। तो सबसे पहले आंसर आया है जो अनु ने कहा है कि सर ये है तेजड़िया और मंदड़िया रिलेटेड हैं शेयर मार्केट से, शेयर बाजार से रिलेटेड हैं, आरुषो, हरिओम, शिवाय, प्रतिमा, योगेश, कैलाश, सुरेश कह रहे हैं नहीं आइडिया है, जीतू, अरविंद, बिल्कुल सही आंसर है। देखो तेजड़िया क्या होता है, तेजड़िया को डिनोट करा जाता है बैल से, बैल से, क्योंकि बैल क्या करता है, सींग जब मारता है तो मार्केट उछलता है, तो इसको कहा जाता है तेजड़िया। और मंदड़िया किसको कहा जाता है, इसको भेड़िए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। चलो जब मार्केट स्लो होता है तो उसको मंदड़िया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मसूड़ों से रक्त स्राव और दांतों का ढीला पड़ जाना किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या विटामिन डी की कमी से। मसूड़ों से जो रक्त निकलता है, नहीं, बुल एंड बियर कहते हैं इंग्लिश में, बुल एंड बियर कहते हैं, इसको बियर से डिनोट किया जाता है, भेड़िए से नहीं, भालू से, ठीक है, बियर से डिनोट किया जाता है, बुल एंड बियर। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन का क्या है सही आंसर, विटामिन सी, बिल्कुल सही आंसर है विटामिन सी, कितने लोग कह रहे हैं भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। कहता है रक्त में कौन विद्यमान नहीं होता है, यानी ब्लड में क्या नहीं होता है, रेड ब्लड सेल्स, RBC, WBC, प्लाज्मा या फिर प्लेसेंटा, ब्लड में क्या नहीं होता है इनमें से जरा बताना, तो क्या नहीं होता है, आप सभी लोग जानते हो ना कि प्लाज्मा कितना होता है बाबू, 55% प्लाज्मा होता है, आप सभी लोग जानते हो, RBC होता है, WBC होता है, ठीक है, और प्लेटलेट्स भी होता है, लेकिन प्लासेंटा नहीं होता है, प्लासेंटा झिल्ली दूसरी चीज है ना, प्लासेंटा नहीं होता है, हाँ बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। कहता है पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण, अच्छा ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी करा हुआ था क्या, ये क्वेश्चन तो कल भी करा हुआ था है ना, कि अगर पानी में कोई छड़ी डुबो दी जाए तो ऐसे हल्की सी टेढ़ी दिखती है ना, ये यहां तक अगर पानी भरा हुआ है तो हल्की सी ऐसे टेढ़ी दिखती है छड़ी, तो बताओ किसकी वजह से होता है ये, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट या फिर लाइट स्कैटरिंग। तो ये लाइट प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, हाँ कल भी हुआ था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। तो आप लोग कह रहा है जल क्षेत्र जल सीमा क्षेत्र माना जाता है, इसके
अच्छा किसी भी राष्ट्र का जल सीमा क्षेत्र कितने दूरी तक होता है? 12 नॉटिकल मील तक, 19.9 नॉटिकल मील तक, 15 नॉटिकल मील या 20 नॉटिकल मील? तो 1982 में समुद्री नियमों से संबंधित एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एक अधिवेशन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 1982 में। इसमें नियम बनाया गया था कि किसी भी राज्य के 12 नॉटिकल मील दूर, उसके तट से 12 नॉटिकल मील दूर तक उस राष्ट्र का क्या होगा? जल सीमा क्षेत्र होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, आई विल गो विथ ए। अच्छा, और उसो ए के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का कौन सा राज्य बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? बाजरा मिलेट का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? हेलो सिद्धार्थ, नमस्कार, क्या बात है सिद्धार्थ, बड़े दिन बाद दिखाई दे रहे हो बाबू। हैं, तो सबसे अधिक मिलेट कौन उत्पादन करता है, प्रोडक्शन होता है राजस्थान में। लगभग 44% मिलेट का उत्पादन राजस्थान में होता है, 43%, 43% के आसपास मिलेट का उत्पादन राजस्थान में होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आप लोग देखो, अनअकैडमी प्लस पे अगर आपको चीज़ों को एकदम डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ना है तो आप लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। मैं भी अनअकैडमी प्लस पे हूँ, UPPCS कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ। तो आपको एक रेफरल कोड यूज करना है, PRINCE56, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही एक और बड़ी चीज़ है कि आपको ये नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। अगर आज कोई अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेता है यूपी कैटेगरी का, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑफर है, बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट है मेरी तरफ से, अगर कोई भी आज ऑफर लेता है। दूसरी चीज़ ये कि मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेरा ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपको अनअकैडमी का फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है अनअकैडमी की तरफ से, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। सारी चीज़ें हैं, सारी सुविधाएं, सारे लाभ मिलेंगे। ठीक है, मक्के दी रोटी सरसों दा साग ये होता है। ठीक है, मक्के दी रोटी सरसों दा साग। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कुद्रेमुख खान निक्षेप। कुद्रेमुख खान डिपॉजिट जो कि विश्व का सबसे बड़ा खान माना जाता है, कौन से राज्य में है? कुद्रेमुख कौन सा जगह पे? असम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड। तबीयत नहीं सही था, क्या हुआ है सिद्धार्थ, सब कुछ ठीक? चलो जल्दी से बताओ, कुद्रेमुख कौन से देश, कौन सी जगह पे है? कुद्रेमुख, नागर होल, ये सारी चीजें कहाँ पे हैं? आपके कर्नाटक में है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, कहला खेलों और क्रीड़ा में आजीवन उपलब्धि के लिए भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, जो भारत सरकार के खेल और युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? आजीवन उपलब्धि के लिए बात कर रहा है, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर अर्जुना अवार्ड? क्या है इसका सही आंसर, आप लोग जल्दी बताइए। आजीवन उपलब्धि के कारण क्या हुआ सिद्धार्थ, क्या हो गया है, कोरोना वोरोना तो नहीं हो गया? चलो ध्यानचंद अवार्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है आपको। ठीक है, ध्यानचंद अवार्ड आजीवन उपलब्धि के लिए कह रहा है बाबू, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कह रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ध्यानचंद अवार्ड 2002 से दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रुक्मावती नदी के किनारे पर कौन सा स्थित है? रुक्मावती नदी के किनारों पर कौन स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, मुंद्रा, मांडवी या फिर पारादीव? जल्दी से बताओ, रुक्मावती नदी के तट पे कौन सा स्थित है? रुक्मावती नदी है गुजरात में, और गुजरात के कच्छ जिले में है मांडवी, यहीं से होकर के जाती है रुक्मावती नदी। नो आइडिया सर,
अच्छा, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। देखते हैं सी ऑप्शन कहा है प्रतिमा ने, अनु ने सही आंसर बताया है, आरुषो ने सही आंसर बताया है। चलो भाई, काफ़ी लोगों ने सही आंसर बता दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन से हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसदीय मामलों के मंत्री, विपक्ष के नेता। अच्छा, अनुच्छेद 63 में बात की गई है उपराष्ट्रपति होंगे पदेन अध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा के मांडवी, हाँ वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही आंसर है 16 का भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम की सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है, गेहूं में, मक्के में, बाजरे में या फिर शोरगम में। सबसे अधिक कैल्शियम इनमें से किसमें पाया जाता है। देखो बाजरा, रागी। अच्छा, सोरगम किसको कहते हैं, सोरगम कहते हैं ज्वार को, ज्वार को कहते हैं। अब समझ में आई बात, सबसे अधिक इसमें रागी में, ज्वार में, इन सब में पाया जाता है, ठीक है। इन सब में सबसे अधिक इसी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेलो रचना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। कह रहा है कौन से गवर्नर जनरल ने सती और बाल विवाह के अबोलिशन का कुछ सपोर्ट किया था, सती और बाल विवाह का समर्थन किसने किया था उन्मूलन का, जनरल डायर ने, जनरल विलियम वेंटिक ने, लॉर्ड रिपन ने या फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने। जौ से सत्तू बनता है, अच्छा विलियम बेंटिक, वाह क्या बात है भाई, आप लोग तो बड़े टैलेंटेड हो भाई। अच्छा विलियम बेंटिक का शासनकाल कब, विलियम बेंटिक इंडिया में कब से कब तक रहा, कमेंट करके बताइए विलियम बेंटिक कब से कब तक रहा इंडिया में। तो ये रहा 1828 से 1835 तक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में गवर्नर जनरल बन करके रहा था, ठीक है। 1829 में सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा सभी लोग जानते हो भाई, सती प्रथा, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछता है उस राज्य को पहचाने जिसमें द्विसदनीय विधानसभा है, द्विसदनीय विधानसभा कहाँ पे है, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। तो हमने कहा था अंधा महा उज्बक है, हमेशा तेल लगाता रहता है, तो महा में क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका। महाराष्ट्र में क्या है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। सर तेज बोलो, इतना धीमे बोल रहे हो। अच्छा आज आज आवाज कम जा रही है क्या। आवाज प्रॉपर नहीं जा रही है क्या आप लोगों को। बता दीजिए एक बार, आवाज प्रॉपर नहीं जा रही, वॉइस प्रॉपर नहीं जा रही है क्या। अनु अपने मोबाइल का वॉल्यूम ना थोड़ा बढ़ा लो बच्चे, आप ना अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लो, मुझे तो लगता है आपके मोबाइल का वॉल्यूम स्लो है। नहीं लंच ना, मैं लंच कर ही रहा था इसीलिए क्लास 5 मिनट देर से शुरू हुई है, मैं लंच कर रहा था इसीलिए क्लास 5 मिनट देर से शुरू हुई। इनमें से किसके पास हाउस ऑफ पीपल के भीतर व्यवस्था बनाने के लिए अंतिम अधिकार होता है, मार्शल ऑफ द हाउस, प्रधानमंत्री, सभापति या फिर सुरक्षा का स्टाफ के प्रमुख। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बता देना आप मुझे। तो अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है, किसके पास होती है अंतिम शक्ति, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति जो भी आप कह लो, इनके पास होती है। और ये शक्ति इनको मिलती है अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 122 से। कहाँ से मिलती है, संविधान के अनुच्छेद 122 से ये शक्ति इनको मिलती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ योगेश ने सही आंसर दिया, बाकी सब ने गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है, सबने गलत आंसर दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कहता है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। चलो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कब। तो
तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे 1972 में मनाना शुरू किया गया था, विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? अभी आने वाला है आपका 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा, अच्छा मनाया किसके द्वारा जाता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कहता है स्वच्छ जल में BOD का मान कितना होता है? स्वच्छ जल में BOD का मान कितना होता है, जरा बताओगे आप लोग क्या? अच्छा ट्री भी लगाया था। हम तो पौधे लगाते हैं, पेड़ नहीं लगाते हैं। सुरेश आप पेड़ लगाते हो क्या? मैं पौधे लगाता हूँ। चलो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। 1 से 2 अगर PPM का की वैल्यू है तो बहुत अच्छा जल माना जाता है, लेकिन 5 PPM तक के वैल्यू वाले जल को भी ठीक माना जाता है, इसको स्वच्छ जल में गिना जाता है। हम पौधे लगाते हैं, कौन कौन पेड़ लगाता है भाई बताना जरा, पेड़ कौन कौन लगाता है? हम तो भाई पौधे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोवर्स कप किससे रिलेटेड है? रोवर्स कप बैडमिंटन से, हॉकी से, क्रिकेट से या फिर फुटबॉल से, किससे रिलेटेड है रोवर्स कप? भावनाओं को समझें। अच्छा चलो इसका सही आंसर रोवर्स कप आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। अच्छा दुनिया का ना दूसरा सबसे पुराना फुटबॉल कप है रोवर्स कप, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ये हॉकी नहीं, अगला क्वेश्चन कहता है किस खेल का संबंध डबल फॉल्ट से है? लॉन टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या फिर नन ऑफ दीज? पार्टिकुलेट पॉल्यूटेड मॉलिक्यूल्स। अच्छा डबल फॉल्ट किससे रिलेटेड है? तो लॉन टेनिस में होता है डबल फॉल्ट, लॉन टेनिस में डबल फॉल्ट होता है। ठीक है, अब क्या होता है, मैं तो लॉन टेनिस कभी खेलता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है डबल फॉल्ट वर्ड का जो यूज होता है ना वो लॉन टेनिस में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है एशियाई खेल प्रत्येक कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? एशियन गेम्स हर कितने साल बाद आयोजन होता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 6 साल, कितने वर्ष के अंतराल पे एशियन गेम्स का आयोजन होता है? अच्छा लास्ट वाला एशियन गेम कहाँ हुआ था, लास्ट वाला एशियन गेम्स कहाँ हुआ था? ये 4 साल बाद, हर 4 साल बाद एशियन गेम्स का आयोजन होता है। अच्छा हाँ बिल्कुल सही आंसर है, 4 साल बाद एशियन गेम्स का आयोजन होता है। ठीक है, जकार्ता और पलम्बंग इंडोनेशिया, बिल्कुल सही आंसर है, हर 4 साल बाद जकार्ता पलम्बंग में इंडोनेशिया के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है आपसे SAWEN स्वेन एक क्षेत्रीय इंटरनेशनल सरकारी संस्था है, स्वेन इज अ रीजनल इंटरनेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। देखिए हमारा मोबाइल हो गया 5% चार्ज है, ठीक है, तो हम एक मिनट अपना चार्जर का डाटा केबल लेकर के आते हैं, अदरवाइज आपका कमेंट पढ़ना भूल जाएंगे हम।
चलो इसका सही आंसर आप लोगों को पता चल गया है अब कि क्षेत्र में वन्य जीव अपराधों का सामना करने के लिए स्वयं का दक्षिण एशियाई साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इनोवेशन नेटवर्क इसका सही नाम है। ठीक है, दक्षिण एशियाई वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क इसका सही नाम है। ये वन्यजीव अपराधों का सामना करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सर की छुट्टी हो गई, काहे की छुट्टी हो गई, बताओ काहे की छुट्टी हो गई। अच्छा आजकल साक्षी वगैरह लोग कहाँ हैं, साक्षी आ नहीं रही हैं आजकल। हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है 28 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में, संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में, विश्व रेबीज दिवस या विश्व टेलीविजन दिवस, किस रूप में मनाया जाता है, जल्दी बताना मुझे 28 सितंबर को क्या होता है। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, विश्व रेबीज दिवस इसको कहते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, कुत्ता से यार या सब काट लेता है ना, तो हाइड्रोफोबिया होता है या रेबीज हो जाता है हमको, हमको नहीं जिसको काटता है उसको। ठीक है ना, तो ये ना कहे ना कि हमको काट लिया था। अच्छा इससे क्या किस पे इफेक्ट पड़ता है, तो नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, किस पे, तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव, इस पे प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है ये शब्द किसने कहा था, जब मैं एक कुष्ठ रोगी के घावों को साफ करती हूँ तो मुझे यह महसूस होता है कि मैं स्वयं भगवान की सेवा कर रही हूँ। एक कुष्ठ रोगी को स्पर्श करें, उन्हें प्यार से स्पर्श करें, ये किसने कहा था, मदर टेरेसा ने, मदर जॉर्ज ने, यूलकानिया ने या फिर सिस्टर हॉर्के ने। अरे हमारी कहाँ छुट्टी है, छुट्टी हमने तो अभी तक देखी नहीं, पूरे लॉकडाउन में काम और भी बढ़ गया है हमारा। चलो भाई इसका सही आंसर है आपका मदर टेरेसा, ए ऑप्शन में जो दिया गया है ना मदर टेरेसा, ये बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, जरा बताना मुझे जंक ईमेल को क्या कहा जाता है। तो अनलिस्टेड बल्क ईमेल इसको कहते हैं ना, इसको स्पैम कहा जाता है, जंक ईमेल को स्पैम भी कहा जाता है। सर वीडियो के लिए कहाँ से पढ़ाई करूँ, देखो भैया हम अनएकेडमी पे पढ़ते हैं, अनएकेडमी मतलब अनएकेडमी पे पढ़ाते हैं, तो अनएकेडमी को हम सजेस्ट करेंगे। अनएकेडमी पे ये है कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अनएकेडमी पे पढ़ाते हैं इसलिए कह रहे हैं, अनएकेडमी पे आपको सारी चीज़ें एकदम बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से मिलती हैं, तो आप अनएकेडमी को प्रीफर कर सकते हैं। अनएकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, अनएकेडमी के स्पेशल क्लासेस करिए, प्लस कोर्स मन करे तो बाई कर लीजिए, सारी चीज़ें हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा कप फुटबॉल या ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, इनमें से कौन सा कप या ट्रॉफी है जो फुटबॉल से रिलेटेड है, डेविस कप, देवधर ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी या फिर संतोष ट्रॉफी। और दूसरी बात यह है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप अगर किसी को भी ज्वाइन करना है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो, जिसको भी ज्वाइन करना है, आज ही बनाया है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप लोग जिसको भी ज्वाइन करना है जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो। संतोष ट्रॉफी डेविस फुटबॉल से रिलेटेड है, अच्छा भाई बिल्कुल सही आंसर है संतोष ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, जय हिंद पृथ्वीराज भाई, तो इस नंबर पे मैसेज कर दो भैया जिसको ज्वाइन करना है। ठीक है, आप लोग जानो किसको ज्वाइन करना किसको नहीं ज्वाइन करना है। अच्छा मैसेज करके नाम भी लिख लेना, नाम लिख देना अपना, बता देना कि ये बोल ये हूँ मैं। किसकी इजाज़त से अंग्रेज़ों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आज से आज मैं इस क्वेश्चन से हो गया हूँ परेशान, 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आज पढ़ा चुका हूँ सुबह से मैं, इस तरीके का मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बताओ मैं क्या करूँ। जहांगीर,
1608, सुबह से 4-5 बार पढ़ा चुका हूँ मैं। 1613 में इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री अपनी बनाई थी। 1612 में इन्होंने डचों को हराया था, फ्रांसीसियों को हराया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? NH2, NH7, NH8, NH31, कौन सा है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग? NH7, बिल्कुल सही आंसर है। लंबाई कितनी है? 2370 या 69, ऐसे ही 69 किलोमीटर की लंबाई है। चार पांच बार किधर पढ़ाते हो सर? यूट्यूब पर नहीं होती क्लास, तो हम अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं ना। यूट्यूब पे तो केवल एक ही सेशन होता है मेरा ना। अनअकैडमी पे 2 क्लास पढ़ाए हैं, 12 से 1, 1 से 2, अभी यहाँ 3.5 से 4.5 पढ़ा रहे हैं, फिर 5 से 6.5 अनअकैडमी पे पढ़ाना है, फिर रात को 9 से 10, 10 से 11.5 अनअकैडमी पे पढ़ाना है। एक क्लास 12 से 1, फिर 1 से 2, फिर 3.5 से यहाँ पे, 5 से 6, फिर 10 से रात को 11:30, ये मेरे पढ़ाने का शेड्यूल है। आकाश का नीला रंग किस वजह से दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, या छितराव की वजह से, इसको आप छितराव भी कहते हो, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अपना अलग चैनल बनाएं, क्या चैनल बनाएं, कितने चैनल यूट्यूब पे हो गए, इतने सारे चैनल हो गए यूट्यूब पे, तो क्या चैनल अपना खुद का बनाएं? कभी आवश्यकता लगेगी तो बना लिया जाएगा, बस आप लोग जुड़े रहिए साथ में, कभी आवश्यकता लगेगी बन जाएगा चैनल। हरियाणा का सबसे अधिक जाना माना पक्षी अभयारण्य कौन सा है? जिम के लिए सुल्तानपुर, भरतपुर, राजा जी, सरिस्का। किसी दिन इंस्टाग्राम लाइव करूंगा, उस दिन आप सब लोग जुड़ जाइएगा इंस्टाग्राम पे, तब बातें करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है? अभी फिलहाल यहाँ पढ़ाई की बात होती है केवल। तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य सबसे फेमस है, वो मूवी थी ना सुल्तान, तो सुल्तान हरियाणा का ही तो था, सुल्तान, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य सुल्तान हरियाणा का ही तो रहने वाला था ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, भारत का पहला देसी रोटा वायरस वैक्सीन जिसका नाम रोटावेक है, पीलिया के कारण मृत्यु दर का सामना करने के लिए है, अतिसार के कारण मृत्यु दर का सामना करने के लिए, वयस्क जापानी मस्तिष्क ज्वर का सामना करने के लिए है, या फिर अतिक्रियाशील पोलियो वैक्सीन के लिए है? अच्छा चलो भाई, इसका सही आंसर आप सभी लोगों ने बता दिया है कि दूसरा ऑप्शन है, टू फेस इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ड्यू टू डायरिया, यानी डायरिया के कारण जो बच्चों की मृत्यु दर है उसको रोकने के लिए बनाया गया था रोटावेक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कहता है निम्नलिखित में से किसे प्रथम विश्व युद्ध में एक रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया था? बताओ भाई, रासायनिक हथियार के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में किसे प्रयोग किया गया था? वह हिंदी वाला बहुत ढांसू है, हिंदी का ऑप्शन बड़ा ढांसू है। हाँ तो 36 का आंसर जल्दी से आए, जल्दी से आए 36 का आंसर, भाई किसी का अभी तक नहीं आया है आंसर। ए, बहुत सही, रचना, मस्टर्ड गैस, सरसों वाली गैस। हाँ सरसों वरसों वाली गैस को ले जा करके मार के आए थे प्रथम विश्व युद्ध में सब लोग। क्यों गैस की बात हो रहा है यहाँ पे, तो सरसों वाली गैस यानी मस्टर्ड गैस जो था, ये प्रथम विश्व युद्ध में, ये द्वितीय विश्व युद्ध में वो चीजें थी ना। तो क्लास छोड़ के मैसेज करते हो आप लोग मेरे पास हैं, क्लास छोड़ के मैसेज करते हो, मैसेज मैसेज खेलोगे हमसे। हाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संपूर्ण शून्य पर इलेक्ट्रॉन की वांछित ऊर्जा क्या कहलाती है? द डिजायर्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड। बस 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 बस, पृथ्वीराज भाई पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो? मैसेज फंक्शन कहलाता है पोटेंशियल विभव, इमिशन एनर्जी, या फिर फर्मी एनर्जी।
पृथ्वीराज मैसेज कर रहे हैं, वो भी नाम लिख के बता रहे हैं कि सर हम पृथ्वीराज हैं। अब आप पृथ्वीराज हैं तो हम क्या करें भैया, हम पृथ्वीराज चौहान बना दें। फर्मी एनर्जी इसका बिल्कुल सही आंसर है जो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। तो बताओ फर्मी एनर्जी के लिए आपको हम पृथ्वीराज चौहान बना दें हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, सरसों की गैस का हुआ, नू सरसों की गैस सूंघ ली का, मस्टर्ड गैस नाक में चला गया, छींक आने लगी। अगला क्वेश्चन वहाँ का कह रहा है आपसे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बांसुरी के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, बांसुरी के प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन हैं इनमें से। तो रोनू मजूमदार हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, ठीक है, रोनू मजूमदार, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। का हुआ अनु जो मुझे छोड़ के तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज लिमिटे अ ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में होता है एक्सरसाइज लिमिटे, इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में होता है एक्सरसाइज लिमिटे, लिमित्य इसका मतलब होता है, लमित्य होता है आई थिंक ना, लामित्य। एक्सरसाइज लामित्य, हाँ आता है लेकिन बहुत बहुत घटिया आवाज है मेरी। चलो भाई, इंडिया और सेसेल्स के बीच में, बिल्कुल सही आंसर है ए ऑप्शन वाले भाई का। कौन है ए ऑप्शन वाले हमारे, सुरेश ने कहा है कि सेसेल्स, बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा श्रीलंका के साथ होता है मित्र शक्ति, श्रीलंका के साथ क्या होता है मित्र शक्ति। हुआ क्या कि श्री राम जी जब रावण सीता माता को उठा करके ले गया ना, तो श्री राम जी बोले कि भैया ऐसा है हम अपने घर से अब शक्ति नहीं मंगवाएंगे, अब हम अपने मित्रों की शक्ति दिखाएंगे। रावण कहा तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, ज़्यादा से ज़्यादा यही करोगे कि अयोध्या से मंगवा लोगे तुम अपनी सेना। तो राम जी ने कहा पागल हो तुम, हम अयोध्या से सेना नहीं मंगवाने जा रहे हैं, अब अपने मित्रों की शक्ति तुमको दिखाएंगे। इन्होंने वानरों को बनाया अपना मित्र और अपने मित्रों की शक्ति दिखाई इन्होंने, ठीक है, और मित्र शक्ति तब से होने लगा। चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्या न्यायालय संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच कर सकते हैं, न्यायालय संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जरा बताना मुझे। अब आप लोगों को हम क्या बताएं, एक यही ब्लैक टी शर्ट अनएकेडमी का पहन के ना जिंदगी इसी टी शर्ट में कट जाएगी लगता है कभी कभी, और कोई कपड़ा पहनने की नौबत ही नहीं आती है, और कोई ड्रेस पहनने की नौबत ही नहीं आती है। चलो भाई तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 122 में प्रावधान किया गया है, ठीक है, कि जो संसद की कार्यवाही है इसकी वैधता की जांच न्यायालय नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 122 में ये शक्ति मिली हुई है संसद को कि आपके कार्यवाही की जांच, आपके कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, अभी अभी तो बात हुई थी ना संतोष ट्रॉफी के बारे में, फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है मोहम्मद बिन तुगलक जिसको MBT भी कहते हैं द्वारा शुरू की गई टोकन मुद्रा सफल क्यों नहीं हुई, MBT ने जो टोकन मुद्रा शुरू की थी क्यों नहीं सफल हुई, चांदी का टका चलाने के लिए चांदी की किल्लत समाप्त हो गई थी, व्यापारियों ने टोकन मुद्रा स्वीकार करने से इनकार कर दिया था इसलिए, टोकन मुद्रा की व्यापक जालसाजी हो रही थी, विदेशी व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था इसलिए, गलत हो गया। अच्छा चलो भाई, टोकन मुद्रा क्यों नहीं सफल हुई भाई, तो बहुत ज़्यादा जालसाजी होने लगी थी, इसने क्या किया
भाई इसने किया ये था कि तांबे और कांसे की सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी, जो चांदी के सिक्के थे लोग अपने घर में रखने लगे, तांबे के मुद्रे अपने घर में ढालने लगे, सबके घर में अपने अपने मिंट हो गए थे, यानी जालसाजी बहुत ज्यादा हो गई थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो कल ही किसी ने बताया था कि पहला राष्ट्रीय उद्यान था बांदीपुर, कार्बेट, वेलावदर या फिर पेरियार। कौन सी जगह पे है ये? बांदीपुर। बिल्कुल सही आंसर है आपका। वे वे कहाँ सही आंसर है पागलों, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का सही आंसर है, ठीक है, कहाँ पे है? उत्तराखंड में। बहुत ज्यादा डुप्लीकेट हो गया था। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक प्रकाश वर्ष लगभग कितने के बराबर होता है? 101 किलोमीटर के, कितने के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष? एको ऑप्शन में नहीं सही है यहाँ पे, है ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10^15 मीटर, या फिर 9.46 × 10^12 किलोमीटर। बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है इस क्वेश्चन का, ठीक है। फतेहपुर सीकरी एक समय मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, इस शहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था और कब करवाया गया था, कब हुआ था इसका निर्माण? 1569 में हुआ था ना, 69 में, 1569 में हुआ था। और फतेहपुर सीकरी राजधानी भी थी, कब राजधानी थी? ये 1571 से 1585 तक राजधानी थी, और फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया हुआ था और अकबर ने, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी करवाया था। अनुजी आप कौन सी सिटी से हो? अच्छा, कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार देता है, नंदी अवार्ड कौन सा राज्य देता है? तो तेलुगु सिनेमा में जो बहुत अच्छा काम करता है उन्हें नंदी अवार्ड दिया जाता है। आप तो बता दो, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश देता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ देना? 1964 से देना शुरू किया गया था। एक बुक है द राइट्स ऑफ द मैन, ये बुक के राइटर कौन है? द राइट्स ऑफ द मैन, मैन थॉमस हार्डी, थॉमस मैन, थॉमस मूर या फिर थॉमस पैन। आंध्रा ने दिया था बाबू, आंध्रा ने, थॉमस पैन। बिल्कुल सही आंसर है डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। कह रहा है इनमें से किस शब्द का प्रयोग क्रिकेट के खेल में होता है? क्रिकेट के खेल में कौन सा यूज होता है? हाँ आंध्र प्रदेश होगा। क्रिकेट के खेल में मैंने तेलुगु कहा था, तमिल थोड़ी ना कहा था। लव स्कूप, LBW या फिर टी? तो LBW, लेग बिफोर विकेट, लेग बिफोर विकेट। 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने स्टार्ट किया था द बंगाल गजट। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने द बंगाल गजट को स्टार्ट करा हुआ था, तो आप लोग जानते हो, है ना। लेग बिफोर विकेट। हाँ, बारिश होने से 30-40 मिनट बाद जमा किया गया बारिश का पानी पीने योग्य क्यों नहीं रहता है? क्यों ऐसा होता है कि आप बारिश का पानी हो, बारिश हो रही है, बाल्टी बाहर रख दो, बाल्टी भर जाए, उसके बाद वो पानी पी लो 30-40 मिनट बाद, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यह अम्लीय होता है। और इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच 5 से 6 के आसपास होता है, 5.6 आई थिंक होता है, 5.6 होता है इसका पीएच।
पाँच से छः या 5.6 एसिड होता है, एसिडिक होता है, बिल्कुल सही आंसर है। तो आज का जो आज की सभा थी, आप लोगों ने इतना साथ दिया मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अनअकैडमी प्लस में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो प्रिंस 56 में रेफरल कोड के साथ। कल आप लोगों का 9:30 बजे से UPPCS का फ्री मॉक टेस्ट है अनअकैडमी पे, तो आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके फ्री मॉक टेस्ट जरूर देना 9:30 बजे से कल, ठीक है, सुबह में 9:30 बजे से। और मेरा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना है किसी को भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर मैसेज कर दो अपने नाम के साथ साथ, और मैं अभी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप अपना ज्वाइन करवा देता हूँ। आज ही व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग कम से कम मेरे साथ इतनी देर तक रुकते हैं, इतनी बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मिलते हैं कल की क्लास में, चलिए।